24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Mohtaram teacher, अस्सलामु अलैकुम। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। किसी भी जबान को सीखने के लिए चार महारतों पर उबूर हासिल होना चाहिए। ये हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस मालूमाती वीडियो में इन तमाम महारतों का खास ख्याल रखा गया है ताकि बच्चे हर जाविये से उर्दू जबान पर उबूर हासिल कर लें। इस सेशन में हम बात करेंगे हर्फ काफ पर। सबक पढ़ाते वक्त दर्ज ज़ेल निकात का ख्याल रखें। बच्चों को सलाम करें। हाल चाल के बाद दिन और तारीख मुतारफ करवाएं। जब बच्चे किताबें खोलें तब दुरुस्त दिन पर उनसे दायरा लगवाएं। साफ सुथरे बच्चों की तारीफ करें और सब बच्चों से उनके लिए तालियां बजवाएं। बच्चों को साफ रहने की ताकीद करें। सुनने और बोलने की सरगर्मी, अगर मुमकिन हो तो बच्चों के साथ दायरे में बैठें या कुल जमात की सूरत में सबक का आगाज करें। बच्चों से पूछें कि इन्हें कौन सी कहानियां अच्छी लगती हैं। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो अपनी पसंद की कोई कहानी सुनाएं या खुद कोई दिलचस्प कहानी सुनाएं। आखिर में कहानी के मुतालिक सवालात पूछें। उन्होंने कहानी से क्या सीखा? तमाम बच्चों को बारी बारी बोलने का मौका दें। इसके बाद बच्चों को केले की तस्वीर दिखाएं और पूछें क्या वो इसको पहचानते हैं? ये क्या है? इसका रंग क्या है? जो बच्चे दुरुस्त जवाब दें उनकी हौसला अफजाई करें और बताएं कि ये केला है, ये एक फल है, इसका रंग पीला है। फिर बच्चों से पूछें किस किस को केला पसंद है, इसका जायका कैसा होता है। बच्चों के जवाबात सुनने के बाद उनको बताएं कि इसका जायका मीठा होता है। फिर किताब की तस्वीर दिखाएं और इसके मुतालिक सवालात पूछें। इस दौरान बच्चे अगर कोई गलती करें तो इनको डांटे नहीं बल्कि इस्लाह करते हुए इनकी हौसला अफजाई करें। हर्फ काफ की पहचान और ज़खीरा अल्फाज की सरगर्मी, बच्चों को बताएं कि वो आज हर्फ काफ इसकी आवाज और ज़खीरा अल्फाज को पहचान सकेंगे और हर्फ काफ को दुरुस्त अंदाज से निकात की मदद से लिख सकेंगे। तख्ताए तहरीर पर काफ लिखें। बच्चों से कहें कि ये काफ है और काफ कहता है क। काफ की आवाज निकालें। किताब की मदद से काफ की आवाज के साथ ज़खीरा अल्फाज दोहराएं। काफ क कबूतर, काफ क कबूतर, काफ क कबूतर। क किताब, क केला। कम से कम 3 बार दोहराएं। बच्चों को हर्फ के नाम और आवाज की अलग अलग पहचान करवाएं। इन्हें बताएं कि यह हर्फ काफ है और इसकी आवाज क है। हर्फ काफ की लिखाई की मशक। सबसे पहले बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें, फिर इन्हें पेंसिल पकड़ने का तरीका बताएं और दुरुस्त अंदाज में बैठने की मशक करवाएं। तख्ताए तहरीर पर 4 लाइनें लगाएं। इस पर हर्फ काफ लिखें। बच्चों को हर्फ काफ दुरुस्त अंदाज से लिखना। नज़्म, काफ लाइन पर लेटा हुआ, काफ के ऊपर एक मरकज, गाकर सिखाएं। बच्चों को हवा में डेस्क पर या हाथ पर उंगली की मदद से लिखवाएं। बच्चों को कहें कि वो किताब पर हर्फ काफ निकात की मदद से लिखें। इसके बाद बच्चों को कहें कि वो किताब में मौजूद हर्फ काफ के खाके और तस्वीर में रंग भरें।
हर्फ काफ की मश के लिए वर्कशीट स्नोमैन पब्लिशर्स की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट का एड्रेस है www.snowmanpublishers.com।